एल्विश यादव मुश्किल में घिर गए हैं। एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है और मामला जो है वो सांप के जहर से जुड़ा हुआ है। ये मामला पीएफए जो संस्था है उसकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही कुछ जहरीले सांप और सांप का जहर भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल एल्विश यादव कहां है पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। जांच पुलिस की जारी है। ये मामला किस तरीके से एल्विश यादव से पूरी तरीके से आकर जुड़ रहा है इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। इस बीच आपको बताते हैं अभी तक छापा जो पुलिस की तरफ से किया गया उसमें क्या कुछ मिला है। 9 सांप जो पुलिस ने बरामद किए जिनमें 5 कोबरा सांप बताए जा रहे हैं, 1 अजगर है, 2 मुहे सांप बताए जा रहे हैं, 1 रैट स्नेक भी बताया जा रहा है और साथ ही स्नेक वेनम 20 ml सांप का जहर जो पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अंकित गुप्ता और संजय त्रिपाठी। संजय के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे संजय त्रिपाठी से कुछ जानकारी मिल पा रही है कहां पर है इस वक्त एल्विश यादव। संजय देखिए कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस लगातार उनके मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पूरे गोरख धंधे के एक पुख्ता जो मददगार हैं एल्विश यादव वो कहां पर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें दबिश दे रही हैं लगातार उनके जाँच पड़ताल की जा रही है। उनके जितने परिचित लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो बताएं कि एल्विश यादव कहाँ है, ये जो गोरख धंधा चल रहा था वो किस तरह से चल रहा था और इसमें अभी कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, इस पर भी पुलिस लगातार फोकस कर रही है। पूरा जो मामला है नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद मॉनिटर कर रही हैं। एक एक बिंदु पर, एक एक सूचना पर लगातार वो निगरानी कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यूट्यूब के और सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाए। हमारा आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, कुछ जानकारी मिली है कि अभी तक जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये जो सांप बरामद हुए हैं और साथ ही सांप का जहर बरामद हुआ है, ये सब बरामदगियां कहां से हुई हैं? एक ही ठिकाने से हुई हैं या फिर अलग अलग जगह से हुई हैं? और ये जो 5 लोग हैं ये कौन है, इनका प्रोफाइल? अंकित गुप्ता, रुमाना अब तक की जो जानकारी निकल के सामने आई है, नोएडा के सेक्टर 51 में जो है एक वेन्यू था, वहां पर जो है पार्टी के लिए बुलाया गया था इनको। जो एक ट्रैप बिछाया गया था, जो मेनका गांधी की जो संस्था है उससे जुड़े हुए लोगों ने बाकायदा जो एक फोन किया, एक बंदे को, एक शख्स को फोन किया जो आरोपी है उसको, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा कि एल्विश यादव से संपर्क कर सकते हैं। एल्विश यादव को जो शिकायत में कहा गया एफआईआर में कि उसके बाद में एल्विश यादव से संपर्क साधा गया और एल्विश यादव ने कहा कि आप मेरा नाम लेकर के बात कीजिए, आपको सारा सामान मुहैया करा दिया जाएगा। और उसके बाद में एल्विश यादव का नाम लेकर के जब बातचीत की गई तो ये जो वक्त और ये समय तय किया गया, किस जगह पर मिलना है ये तय किया गया और उसी के अनुसार ये पूरा जाल बिछाया गया। ये जो ट्रैप था जिसमें ये लोग फंसे हैं और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने बताया है कि एल्विश यादव भी उनके साथ में है। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में वो एफआईआर है जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े हुए 6 धाराएं लगी हुई हैं जिसमें जो गैर जमानती हैं और ऐसे में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि वो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120B भी लगी हुई है, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा, और सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धाराएं और भी बढ़ सकती हैं। यानी साफ तौर पर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि जो सह आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्होंने भी अब तक की जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव का नाम लिया है। जी अंकित, ये भी बताइए कि आखिरकार सांपों के जहर का ये खेल खेला कैसे जाता था, क्या करते थे ये लोग इतने जहरीले सांप इस सांपों के जहर के साथ? देखिए ये एक अलग तरह का गिरोह होता है, जैसा हमने देखा है कि अलग अलग जो गिरोह होते हैं वो जो ड्रग्स जो है जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है सेवन किया जाता है वहां पर भी कार्रवाई होती है। तो ये लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते थे और उन लोगों को देते थे जो लोग जो है उसका जो सेवन करते हैं। और जैसी की जानकारी मिली है बहुत ही महंगा बिकता है ये सांप के जो जहर से ड्रग्स बनता है। तो यहां पर भी इन लोगों को बाकायदा जब जो बुलाया गया तो इनसे ये कहा कि आप सांप दिखाइए आप लेकर आए हैं, तो वहां पर इन्होंने बाकायदा इनके बैग में सांप रखे हुए थे, जिंदा सांप रखे हुए थे, वो सांप इन्होंने दिखाए हैं कि देखिए ये सांप है हमारे पास में और इनका जहर हम निकालते हैं और उससे ड्रग्स बना करके आपको देते हैं। और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है
की विदेशी लड़कियों का इस्तेमाल होता था, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से सांप इनके पास से बरामद हुए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि इस तरीके की रेव पार्टीज में ये लोग अक्सर जो है इसका इंतजाम करते थे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने जिस तरीके से बताया कि साहब बकायदा जाल बिछाकर नोएडा सेक्टर 51 जहां पर ये पांच लोग पहुंचे थे, इनके पास वो जहरीले सांप थे जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो एल्विश यादव बिग बॉस का विजेता जिसका नाम FIR में है।